बोकारो के चास में आज कांग्रेस कमेटी के महिला प्रकोष्ठ ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। चास के सुभाष चौक पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। महिला प्रकोष्ठ की सदस्य परिंदा सिंह ने कहा कि कांग्रेस के राज में गैस सिलेंडर 417 रुपए में मुहैया कराए जा रहे थे, जो आज 890 में लोगों को मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाया। महिलाओं ने कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाकर आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। रोजगार देने की बात दूर, महंगाई कम करने की बात दूर, आप खाली देखिए लगातार देश की जनता पर महंगाई का, बेरोजगारी का दबाव बढ़ते जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी फायदा नहीं पहुंच रहा है, ये अपने मित्रों को भरपूर फायदा दे रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रही, ये आपके अखबारों के, प्रेस के, मीडिया के आंकड़ों से पता चल रहा है कि देश में अदानी अंबानी घराने की संपत्ति बढ़ रही है और आम जनता जो है वो एक लगातार त्रासदी के दौर से गुजर रही है। इसलिए यह तो मात्र सांकेतिक प्रदर्शन है, अगर बहुत तत्काल केंद्र सरकार इस पर कदम नहीं उठाती है तो आगामी चुनाव में जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।